कोरोना महामारी के बीच जब तमाम गतिविधियों पर रोक लगी है, उसी समय गाजीपुर में कार्य प्रगति पर है। इसी का नजारा शनिवार को तब देखने को मिला जब योगी सरकार में समग्र ग्राम्य विकास संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल पहुंचे। प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने गाजीपुर जिले को एक खास भेंट भी दी। उन्होंने 150 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का रिमोट से लोकार्पण किया। उन्होंने पूरी टीम को महामारी के दौरान अच्छे काम के लिए बधाई भी दी। आइए सुनते हैं कि प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा। आज जनपद गाजीपुर की टीम ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है और अत्याधुनिक सुव्यवस्थित 151 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण हुआ है। इस कार्यक्रम में आया हूँ और मैंने इस पुनीत कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी गाजीपुर सहित पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद दिया। कोविड-19 को देखते हुए जो आपकी सरकार टेस्टिंग योगी सरकार हम लोग अपने सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 5वां देश है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आज पहला प्रदेश जिसमें 50,000 से अधिक जांच प्रति दिवस हो रहे हैं। हमारे पास आज 20,000 से कुछ ही अधिक एक्टिव केस हैं और इतने से अधिक लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। मृत्यु भी हमारे यहाँ 1300 कुछ अभी तक हुई है और सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। जिन लोगों को सलाह देना है उन लोगों को अपने राज्यों में जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उन चीज़ों को देखना चाहिए। कोरोना से निजात पाने के लिए सर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कब तक संभावनाएं बनेगी प्रदेश में, कब तक काम किया जा सकता है, कोई इस तरह का चार्ट या इस तरह का कोई काम? हम तो सरकार के प्रभावी कदमों से बहुत हद तक इस पर रोक लगाया है और अनेक उपाय करके पूरी तरीके से इसको समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है, हम सभी को जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के और हमारे गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए हम इसके बढ़ते संक्रमण को रोक सकते हैं। इस मौके पर डीएम ओम प्रकाश आर्य ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 151 आंगनबाड़ी केंद्र तैयार हो गए हैं और बाकी पर काम चल रहा है। डीएम ने बताया कि कोरोना के बीच भी गाजीपुर जिले में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के कार्य को भी प्राथमिकता में लिया गया है। मनरेगा के तहत गांव में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि जो भी सरकार द्वारा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसको पूरे मनोयोग से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला विकास अधिकारी समेत जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।